हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पबजी मोबाइल के आर वर्जन के एक नए गेम प्ले में। और भैया, हम उतरे थे मिलिट्री बेस और भाई यहाँ पर लिटरली इनिशियल फाइट्स की भरमार मिल जाएगी। आई मीन आपको किल चाहिए ना, और प्लेन पर इस तरफ से एज इफ लाइक पहला जा रहा है, तो लेकर चलो कि आपके 10-12 किल तो ऐसे ही हो जाएंगे। और हमारे साथ उतरी थी एक या शायद दो स्पॉट्स, ठीक। और भैया, जैसा ऑलवेज मेरे पूरी टीममेट्स के पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और शायद ही मैं सिकल लेके घूमूंगा। देखो, जैसे कार्तिक तो भाई मारना पीटना भी चालू कर चुका, तो भैया हम खेल रहे थे एक रैंडम भैया के साथ और उनको शायद अपना गेम प्ले काफ़ी अच्छा लगा, तो देखते जाओ मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ जाओगे। ठीक, तो मुझे मिली थी लिटरली वेक्टर के साथ 8x। अब बताओ मैं क्या करूँ। खैर, जो भी था, अब बंदे आ रहे थे हमारे ऊपर और हमको लेनी थी फाइट। और भैया जो मिला सो सही, सिकल से तो बैठ रही है। तो हम लेकर चले ये वेक्टर और नीचे की तरफ बंदों की फुट आने लग गई थी हमको, और सामने की तरफ दो स्क्वाड्स फाइट कर रही थी आपस में, हमको दिख गए थे सब लोग। मतलब एक बेसिक आइडिया था हमें पोजीशन के बारे में कि कौन किधर मतलब खड़ा है या फाइट ले रहा है। ठीक, तो हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, मतलब जो हमारे टीममेट्स के ऊपर बेसिकली फाइट होने लग गई थी और उनको चाहिए थी मदद। तो भैया जब मदद चाहिए तो हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे, गए देने मदद। अब भाई ने यहाँ पे M4 मार्क की थी, 0 MO, तो समझ रहे पबजी वालों ने KR वर्जन में पैन थ्रो करके फेंकने का ऑप्शन दिया हमको। ठीक भाई, KR वालों, गन थ्रो करके फेंकने का भी ऑप्शन दे दो, भला हो जाए उस गरीब का। ठीक है ना, लिटरली बता रहा हूँ, गन मिलती है, एमो नहीं रहती उसमें। खैर, दोस्त ने दे दी, वैसे रैंडम टीममेट ने दे दिया हमको एमो थोड़ी सी। अब आ रही थी बंदों की। ठीक, तो मैं अपना दोस्तों को कॉल दे दिया कि भैया हमारे सामने बंदे हैं, जल्दी आओ करके। तो कार्तिक जल्दी से आ गया उस टाइम के अंदर अंदर और हम कर दिए रश। अब देखना क्या ही रश होता है इधर, मजा आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक डाउन हुआ मॉली से, मैं घुस गया और भैया तुम्हारे भाई ने किया 1v2 का प्यारा क्लच, देख रहे हो। जैसे एक डाउन हुआ मॉली से कार्तिक के, मैं समझ गया कि ये दूसरा बंदा वीक होगा। और जैसे कार्तिक मॉली से डाउन होने के बाद इमीडिएटली घुस गया, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। और कार्तिक का कॉल आया कि भैया एक लौंडा 1 HP है, और क्या चाहिए था, 1v1 तो हमको निकाल ही लेते, हम घुस गए अंधाधुंध। तो भैया यहाँ पर होती है एक स्क्वाड का सफाया। ठीक, अब बच रही थी और एक स्क्वाड। ठीक है, अब उसको मारने की बारी थी, तो हम जो है वो स्क्वाड की तलाश में निकल गए। अब दिक्कत ये थी ना कि शायद वो स्क्वाड हमको मिली नहीं, और यहाँ पे हमको 2 फ्लेयर गन्स मिल गए। और कसम से ना, ऐसा मजा आ गया ना, मतलब जो गन्स की मतलब कमी पड़ रही थी ना, लिटरली पूरी एक ही बार में हो गई। और तेरे भाई को ऑम मिल गई, और क्या ही चाहिए था, बूम बाम 8x तो सब मिल ही गया था, याद ही होगा। अच्छा हुआ, जो हुआ ठीक ही हुआ, है ना, चलो सही है। तो फिर भैया हम निकले आदमियों की तलाश में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी स्क्वाड जो थी शायद इधर वाइप आउट हो गई थी ये पहले वालों से, जिनको हमने अभी मारा, नहीं तो शायद बैक ऑफ कर गए थे, हमको पता नहीं। ठीक, बस यहाँ पे 2-4 जो बॉट आ गए थे उन्हें को मारना रह गया था, जो हमने निपटा लिया। तो भैया वहाँ पे दो चार जो बॉट निपटाने के बाद हम आ गए ब्रिज की तरफ, ये सोच के कि सर्कल जो है पूरा ब्रिज कैंपिंग टाइप बन रहा था। मतलब वो पूरा एज इफ लाइक एक सेंटर बन रहा था ब्रिज, और उसके उस पर थोड़ा सर्कल, इस पर थोड़ा सर्कल, तो हमको पूरा पूरा शक था कि ब्रिज कैंपिंग हो सकता है। और लिटरली यहाँ पर 2-4 बॉट आ गए, और बॉट आने के बाद देखना क्या होता है। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ। अब
अब ऊपर आ गया था एक बॉट और मुझे दिख गया था वहाँ पे ऊपर एक बॉट है करके, तो मैंने टीममेट्स को जो है मार्क लगा दिया कि भैया ऊपर एक बॉट आ गया देख लो, क्योंकि क्या है ना कि किल डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, केडी में मेंटेन करनी है ना दोस्तों को, तो हमको दिख गया था वो बॉट, हमने दे दिया मार्क और भाई ने देख लिया। तो ये बॉट क्लियर करने के बाद एक नहीं यहाँ पे और एक बॉट भी आता है, तो यू नो थोड़ा निपटा विपटा लिया इनको, हाथ भी साफ करने इम्पोर्टेंट है ना, ये पार्ट से ठीक मजा आया ना। देखो और भी एक शॉट है, मजा आएगा ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ ठीक, और इतने में कार्तिक का मैसेज आता है कि भैया मेरा गेम क्रैश कर गया। मतलब सोच रहे हो चार बंदे जिसमें से एक बंदा ऑफलाइन, एक बंदा रैंडम जिसका खेला नहीं, लेकिन तब भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया लॉन्डे ने, सही बता रहा हूँ, आई स्वेयर बहुत अच्छा खेले सर जी। अगर आपको ये वीडियो पहुँच गई तो थैंक यू सो मच है अच्छा खेलने के लिए, और बाकी तो भैया निपटाएं ठीक। तो अब कॉल आता है कि भैया ब्रिज कैंप हो सकता है, तो हम गाड़ी लेकर निकले और भाई लोग को थोड़ा एमओ एमओ की ज़रूरत थी, तो पूरा मार्क वाक कर दिए, उठा उठा लिया उनके लिए, और क्या ही था, चले ब्रिज कैंप के लिए। अब भैया जैसे पूरी स्क्वाड बैठ गई ठीक है, मतलब कार्तिक ऑफलाइन था, बाकी का छोड़ के बाकी जो तीन बंदे तो थे अपने साथ, वो जैसे बैठ गए हम आ गए ये डेमो ट्रक की तरफ, और जैसे आए ना सामने से देखो गाड़ी आ गई, और भाई लिटरली मतलब टाइमिंग देख रहे हो। अब अच्छी बात यह है कि मैंने एक को नॉक कर दिया और दूसरे को भी बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, और क्लोई ने भी थोड़ा बहुत संभाल लिया, और रैंडम बंदे ने और एक को नॉक दिया था, मतलब बेसिकली यहाँ पे दो नॉक पड़े थे ठीक, एक बंदा जिंदा था उनका आखिरी बंदा जो नीचे की तरफ कूद गया ठीक है। तो मैंने क्लोई को इमीडिएट कॉल दिया कि भैया मुझे रिवाइव दो, उसको फिर देखते हैं, पकड़ पकड़ के मतलब यहीं पटक के समझ रहे हो ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना ठीक है, यहाँ पे सामने कोई नहीं पीछे कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना दोस्तों, मेरा दिल कंफर्म कर दिया क्लोई ने ठीक, यहाँ पे सामने कोई नहीं था पीछे कोई नहीं था ठीक है, और एक बंदा उनका जो लास्ट बंदा था वो नीचे कूद गया, जिसको भी हमने मार दिया ठीक है, उसका किल भी आपको मिल ही जाएगा, और कार्तिक अभी भी ऑफलाइन खड़ा है ठीक, मतलब देख रहे हो सिचुएशन देख रहे हो। लो उसका आखिरी बंदा जो था वो भी मर चुका ठीक, किल लाया देखो, तो अब बेसिकली उसका पूरा जो है स्क्वाड निपट चुका है ना, और हम गलती से गिर गए, बात अलग है वो छोड़ो। अब देखो सीन ऐसा है ना कि यहाँ पर अभी भी पीछे कोई नहीं था ठीक है, आगे भी कोई नहीं है ठीक है, बट अचानक आगे स्मोक हो जाता है ठीक है, स्मोक होने के बाद अचानक पीछे से क्लोई को सीधा नॉक फिनिश करते और मैं नॉक, अचानक दो बंदे आ गए पता नहीं कहाँ से, मुझे पूरा खाया और कार्तिक नीचे गिर गया ठीक। अब बच रहे थे सिर्फ नंबर वन, हालांकि बहुत तगड़ा खेल गया लौंडा, एक एचपी पे एक को निकाला, बट फेयर इनफ यहाँ पे गेम सही था, बट वो दो बंदे जो कहाँ से टपके समझ में नहीं आया ठीक, क्योंकि आगे देखा हमने अचानक स्मोक हुआ, पीछे देखा तो कोई नहीं था तब तक, फिर अचानक दो बंदे आ गए पता नहीं कहाँ से पीछे से भी, अब क्या बोले हो गया स्कैम, बट ठीक है वेल प्लेड जी जी कोई बात। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो कर सकते हो वो करो गाइस, एंजॉय योर दिवाली, हैप्पी दिवाली, एंड हाँ अ बिग शॉट आउट टू यू नियॉन पांडा मेरे भाई, आपको कमेंट आया था सॉरी फॉर द लास्ट टाइम लेकिन मैं बोला नहीं था, एंड तब तक के लिए गुड बाय।